हे गाइस, वेलकम टू लर्न इजी। आज हम लोग रिफ्लेक्शन चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं। तो जानते हैं रिफ्लेक्शन चैप्टर में क्या क्या है। तो सबसे उससे पहले जानेंगे कि पोजीशन ऑफ ए पॉइंट इन ए प्लेन क्या होता है। मान लीजिए ये प्लेन है, तो प्लेन में अगर किसी पॉइंट को डिस्क्राइब करना है तो कैसे डिस्क्राइब करेंगे। तो इस पॉइंट को डिस्क्राइब करेंगे इसके कोऑर्डिनेट से। जानते हैं कि किस तरह से किसी भी पॉइंट को इस प्लेन में रखेंगे। तो इस पॉइंट में दो चीज़ आ सकती है, x और y। ये जो पॉइंट है इसमें x एक्सिस में कितने डिस्टेंस पे है और y एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है। तो इसी तरह से किसी भी प्लेन में किसी भी जगह को हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं। जानते हैं, मान लीजिए ये पॉइंट मेरा 1, 2 है। इस तरह से किसी भी पॉइंट को -3, -5 है। तो कौन सा पॉइंट ग्राफ पेपर में अगर ड्रॉ करेंगे तो कौन सा पॉइंट किस क्वाड्रेंट में आता है वो जानेंगे। जानते हैं कौन सा क्वाड्रेंट में प्लस प्लस, कौन सा क्वाड्रेंट में प्लस माइनस, माइनस माइनस और प्लस माइनस रख सकते हैं। तो उससे पहले सबसे पहले इसका नामकरण करते हैं। ये एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिन है, ये वाई एक्सिस है और इसी के नीचे जस्ट ऑपोजिट अगर आते हैं तो ये मेरा वाई डैश हो जाता है और ये एक्स डैश हो जाता है। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के नाम से जाना जाता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो कोऑर्डिनेट होता है वो प्लस प्लस वाला होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस वाला होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस वाला होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस माइनस वाला होता है। तो जानते हैं ये इसमें प्लस प्लस क्यों होता है, इसमें माइनस प्लस क्यों होता है, इसमें माइनस माइनस क्यों होता है और इसमें प्लस माइनस क्यों होता है। मान लीजिए कि ये मेरा ग्राफ है, तो ग्राफ में y एक्सिस के जस्ट राइट साइड हम लोग को पॉजिटिव साइंस वाला नंबर्स देखने के लिए मिलता है। उसी तरह से x एक्सिस के जस्ट अपर साइड में हम लोगों को पॉजिटिव साइंस देखने के लिए मिलता है। उसी तरह से अगर हम लोग y एक्सिस में देखेंगे इसके जस्ट अपोजिट साइड हम लोग को माइनस साइन और उसी तरह से x एक्सिस के जस्ट नीचे साइड जो डाउन साइड होता है वो लोअर साइड होता है उसमें हम लोग को माइनस 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 वाला साइन हम लोग को देखने के लिए मिलता है। तो हम लोग इस तरह से नंबर मैंने पहले से ही लिख दिया है। अब जानते हैं किसमें प्लस प्लस और किसमें माइनस माइनस। अगर किसी भी कोऑर्डिनेट को लिखते हैं तो सबसे पहले ये जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि किसी भी कोऑर्डिनेट में पहले एक्स एक्सिस का आता है, एक्स एक्सिस का पॉइंट आता है और बाद में वाई एक्सिस का पॉइंट आता है। तो यहाँ पे जो एक्स एक्सिस में है इस क्वाड्रेंट में मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर हम लोग देखें, अगर किसी पॉइंट को डिस्क्राइब करना है तो पहले एक्स एक्सिस को लेंगे उसके बाद वाई एक्सिस को लेंगे। तो एक्स एक्सिस में पॉजिटिव का साइन, तो ये पॉजिटिव है। इधर से भी अगर मान लीजिए वाई एक्सिस का पॉइंट लेते हैं तो ये भी पॉजिटिव, इसीलिए इसमें प्लस प्लस का साइन आता है। इसमें पहले एक्स एक्सिस का अगर लेने जाते हैं तो देखते हैं यहाँ पे ये माइनस साइन है इसीलिए यहाँ पे माइनस और यहाँ पे वाई एक्सिस में प्लस का साइन है इस तरफ से तो इसलिए इसमें माइनस प्लस का साइन आ जाता है। उसी तरह से थर्ड क्वाड्रेंट में, ये तो हम लोग का सेकेंड क्वाड्रेंट था। जब हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो इसमें दोनों साइड एक्स, पहले एक्स में माइनस और बाद में वाई में भी देखिए यहाँ पे माइनस है इसीलिए ये थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस आ जाता है। उसी तरह से फोर्थ क्वाड्रेंट में भी सेम, एक्स एक्स एक्सिस को पहले देखते हैं तो यहाँ पे प्लस वाले
पॉइंट्स आते हैं और बाद में माइनस वाले पॉइंट्स आते हैं। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस माइनस का, फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस, सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस और थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस। तो गाइस ये आप लोगों को याद कर लेना है या फिर तो लर्न कर लेना अच्छे से, ताकि आप लोगों को बाद में प्रॉब्लम ना हो कि कौन सा पॉइंट या फिर तो कौन सा कोऑर्डिनेट किस क्वाड्रेंट से बिलोंग करता है। तो चलिए इन कोऑर्डिनेट्स को किस तरह से हम लोग इस ग्राफ में प्लॉट करेंगे वो जान लेते हैं। पहला क्या है, 4 3। तो 4 3 इस ग्राफ में कैसे प्लॉट करेंगे, तो ये 4 है यहाँ पे। पहले मैंने बोला था कि जो भी कोऑर्डिनेट है इन सबको हम लोग कोऑर्डिनेट बोलेंगे। ये सब क्या है, कोऑर्डिनेट है। तो पहला जो कोऑर्डिनेट में जो सबसे पहला पॉइंट होता है वो x का होता है एंड देन उसके बाद y का होता है। तो चलिए हम लोग किस तरह से 4 3 को प्लॉट करेंगे, -3 -2 को प्लॉट करेंगे, इस तरह से इन चारों को प्लॉट करते हैं। तो पहले 4 3 का है, तो यहाँ पे 4 है और कहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है। तो x एक्सिस में 4 एंड y एक्सिस में 3। तो इसको अगर आगे लेके जाते हैं इस तरह से, तो ये 4 3 का पॉइंट कुछ इस तरह से आता है। तो ये 4 3 का पॉइंट हो गया। मान लीजिए इस पॉइंट का आपको नाम देना है, तो आप लिख सकते हैं A 4 3। उसी तरह से सेकेंड नंबर में क्या है, -3 -2। तो -3 -2 को किस तरह से आप प्लॉट कर सकते हैं, तो ये हम लोग का थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। -3 पहले x एक्सिस, इसको x एक्सिस में देखेंगे, तो -3, तो -3 यहाँ पे है। तो चलिए इसको आगे लेके जाते हैं इस तरह से, अगर हम लोग लाइन लेके आते हैं, और -2 है यहाँ पे, -2 है, और इसको इस तरह से लेके आते हैं, तो कुछ इस तरह का पॉइंट हम लोग का यहाँ पे बन जाता है। तो चलिए इसको मानते हैं ये बी पॉइंट है और यहाँ पे -3 -2। इस तरह से हम लोग इसको प्लॉट कर सकते हैं, -3 -2। तीसरा कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या है, -4 और 2। तो -4 2 हम लोग का सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, क्योंकि पहला x एक्सिस का होता है। तो -4 हम लोग -4 जो है यहाँ पे x एक्सिस में देखें, पहले -4 है, तो -4 इसको लेते हैं, इस तरह से आगे बढ़ाते हैं, और ये -2 है, -2 को इस तरह से आगे लेके जाते हैं। तो हम लोग का ये पॉइंट मान लीजिए C है और ये -4 2। उसी तरह से सेम अस फोर्थ कोऑर्डिनेट पॉइंट को किस तरह से हम लोग देखेंगे, तो ये 5 है, 5 एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में -3। तो 5 देखिए यहाँ पे है, इसको आगे लेके जाते हैं और -3 को कुछ इस तरह से आगे बढ़ा के लेके जाते हैं। तो ये हम लोग का पॉइंट, मान लीजिए ये पॉइंट डी है, तो ये 5 -3। तो दोस्तों आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम लोग किसी भी कोऑर्डिनेट पॉइंट को किसी भी ग्राफ पेपर में प्लॉट कर सकते हैं। हम लोग जानेंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट इन ए प्लेन क्या होता है। तो इसको जानने से पहले हम लोग को रिफ्लेक्शन वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है। अगर मान लीजिए ये मिरर है, मैंने एक सिंपल सा प्लेन मिरर बनाया है यहाँ पे, अगर आप लोगों को पता होगा तो ये पॉलिश्ड इस तरफ जो लेफ्ट हैंड साइड वाला है उसको हम लोग पॉलिश्ड सरफेस बोलते हैं, और जो राइट हैंड साइड वाला है उसको हम लोग रफ सरफेस बोलते हैं। तो पॉलिश्ड सरफेस में हम लोग का हमेशा रिफ्लेक्शन होता है। तो मान लीजिए कि अगर हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, तो जो हम लोग का इमेज है वो सेम जितना ये डिस्टेंस में है, मान लीजिए ये डी डिस्टेंस में है, यहाँ से लेके यहाँ तक, उसी सेम डी डिस्टेंस में ये यहाँ से यहाँ तक में होगा, तो इसका रिफ्लेक्शन कुछ यहाँ बनेगा। तो इसको ऑब्जेक्ट बोलेंगे, और जो रिफ्लेक्शन हम लोग का बन के आएगा उसको हम लोग इमेज बोलेंगे। तो कुछ इसी तरह से हम लोग जानेंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट इन ए प्लेन किस तरह से होता है। मान लीजिए ये एक्सिस ऑफ रिफ्लेक्शन है और कोई पॉइंट पी हम लोग के पास है यहाँ पे, तो किस तरह से इसका रिफ्लेक्शन जो है यहाँ पे बनेगा। तो इसका रिफ्लेक्शन मान लीजिए पी डैश है, तो पी क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट है, और पी डैश क्या है, तो ये एक इमेज है। और जब भी हम लोग एक्सिस ऑफ रिफ्लेक्शन और अगर हम लोग लाइन ड्रॉ करते हैं, मान लीजिए ये कोई पी क्यू पॉइंट है, तो पी क्यू इक्वल टू
पी डैश क्यू बोल सकते हैं। और ये जो दोनों लाइंस के बीच में एक्सिस ऑफ रिफ्लेक्शन और ये जो इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों मिलके एक लाइन बनाता है, अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं तो इन दोनों के बीच का जो एंगल बनेगा वो हमेशा 90 डिग्री का होगा, मीन्स ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा। तो गाइस हम लोग बोल सकते हैं कि जो पॉइंट पी है ये मैप्ड है, ये मैप्ड ऑन टू पी डैश है। इसका मतलब क्या होता है कि जितना ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है एक्सिस ऑफ रिफ्लेक्शन से, उतना ही डिस्टेंस में आपका जाके इमेज बना है। अब हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट इन द ओरिजिन के बारे में जानेंगे। अगर कोई भी कोऑर्डिनेट पॉइंट पी एक्स वाई है और उसको हम लोग ओरिजिन से रिफ्लेक्ट करवाते हैं तो उसका पॉइंट क्या आएगा? तो इसको अगर हम लोग रिफ्लेक्शन करवाते हैं इस तरह से ओरिजिन से होके, तो ये पी डैश, और इसका जो साइन है अगर ये एक्स वाई है तो ये माइनस एक्स माइनस वाई हो जाएगा, जस्ट इसका ऑपोजिट साइन। इतना याद रखिएगा, अगर हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट करवाते हैं ओरिजिन से तो वो उसका साइन में चेंजेस आ जाता है। अगर ये एक्स वाई है तो ये माइनस एक्स माइनस वाई हो जाएगा। उसी तरह से अगर यहाँ पे माइनस एक्स वाई है तो अगर इस पॉइंट को, मान लीजिए ये कोई ए पॉइंट है, अगर इसका रिफ्लेक्शन करवाते हैं तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट ए डैश, अगर ये माइनस एक्स है तो ये प्लस एक्स हो जाएगा, और ये वाई है तो ये माइनस हो जाएगा, जस्ट ऑपोजिट साइन व्हेन रिफ्लेक्टेड थ्रू द ओरिजिन। तो चलिए एक्सरसाइज वन के वन नंबर का क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। ये किस पे बेस्ड है? तो ऑन रिफ्लेक्शन इन द ओरिजिन, जो कुछ देर पहले मैंने अभी बताया। क्वेश्चन क्या कहता है? फाइंड द पॉइंट ऑन टू विच द फ्लोइंग पॉइंट्स आर मैप्ड ऑन रिफ्लेक्शन इन द ओरिजिन। क्वेश्चन का कहने का यह मतलब है, अगर हम लोग ओरिजिन से किसी भी पॉइंट को रिफ्लेक्ट करवाते हैं तो उसका पॉइंट क्या होता है? तो जो पहला क्वेश्चन है वो माइनस टू थ्री है, तो इसका आंसर किस तरह से हम लोग लिखेंगे? लिखेंगे द इमेज ऑफ द पॉइंट माइनस टू थ्री, माइनस टू थ्री, माइनस टू थ्री इन द ओरिजिन इज द पॉइंट। कौन सा पॉइंट? तो अगर यहाँ पे माइनस टू थ्री है तो हम लोग टू माइनस थ्री लिखेंगे। मैंने कुछ देर पहले ही समझाया था कि अगर हम लोग ओरिजिन से रिफ्लेक्शन करवाते हैं किसी भी पॉइंट का तो उसका साइन जस्ट ऑपोजिट हो जाता है। तो यहाँ पे माइनस टू थ्री है तो माइनस टू ये प्लस टू बन गया, और जो थ्री है ये माइनस थ्री बन गया। तो ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। उसी तरह से फोर और जीरो का, तो द इमेज ऑफ द पॉइंट, यहाँ पे सिर्फ पॉइंट्स में चेंजेस लाएंगे। द इमेज ऑफ द पॉइंट फोर जीरो इन द ओरिजिन इज द पॉइंट, ये फोर जीरो है तो ये माइनस फोर जीरो हो जाएगा। उसी तरह से दोस्तों जीरो माइनस थ्री है, अगर ये जीरो माइनस थ्री है तो इसका जो पॉइंट है वो क्या हो जाएगा? जीरो थ्री, सॉरी यहाँ पे नहीं, ये तो क्वेश्चन है, तो ये जीरो माइनस थ्री है तो ये जीरो थ्री हो जाएगा। उसी तरह से दोस्तों ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर का क्या करेंगे? तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर में सेम वही, सिर्फ हम लोग को क्या करना है? चेंजेस लाना है। किस में चेंजेस लाना है? तो उसके साइंस में। अगर ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर है तो इमेज ऑफ द पॉइंट ए स्क्वायर बी स्क्वायर इन द ओरिजिन इज द पॉइंट, कौन सा पॉइंट? तो माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सेम उसी तरह से
अगर ये a प्लस बी और a माइनस बी है तो इसका जो पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, तो इसमें हम लोग क्या चेंजेस लाएंगे। इस पॉइंट में चेंजेस लाने के लिए इसका साइन जो है करते हैं, a प्लस बी है, पहला a प्लस बी है तो इसमें माइनस का साइन पुट कर दिए। उसी तरह से a माइनस बी है तो इसका भी साइन माइनस कर दिए, क्योंकि यहाँ पे दोनों प्लस में हैं इसीलिए ये माइनस का साइन हम लोग यहाँ पे पुट कर दिए। तो अगर इसको हम लोग आगे लेके चलते हैं तो ये माइनस ए माइनस प्लस माइनस बी ये आपका एक्स का पॉइंट हो गया, और वाई का जो पॉइंट है वो माइनस ए और माइनस और माइनस माइनस और माइनस आपका जाके प्लस हो जाता है और ये वाई का कोऑर्डिनेट बन जाता है। तो ये दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर वन कुछ इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। टू नंबर क्वेश्चन को देखते हैं जो ऑन रिफ्लेक्शन इन द ओरिजिन पे बेस्ड है। तो टू नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, द पॉइंट पी ए बी इज मैप्ड ऑन टू पी डैश माइनस 12.5 ऑन रिफ्लेक्शन इन द ओरिजिन। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों को इमेज का जो पॉइंट है वो दे दिया गया है, इमेज का जो कोऑर्डिनेट पॉइंट है वो दे दिया गया है कि अगर कोई पी डैश माइनस 12.5 इमेज है और अगर वो ओरिजिन से रिफ्लेक्ट होता है, कहाँ से रिफ्लेक्ट होता है, ओरिजिन से रिफ्लेक्ट होता है, तो जो इसका ऑब्जेक्ट है इसका दे दिया गया है, इसका जो ऑब्जेक्ट का पॉइंट है वो दे दिया गया है, क्या दे दिया गया है, ए बी। तो आपको ऑब्जेक्ट के पॉइंट को बताना है। तो ऑब्जेक्ट के पॉइंट को कैसे बताएंगे, ये ओरिजिन, ये एक्स डैश और ये वाई डैश। तो ऑब्जेक्ट के पॉइंट को कैसे बताएंगे, तो जस्ट ऑपोजिट, हम लोग जब इधर से ऑब्जेक्ट से इमेज की तरफ जाते थे उसका साइन ऑपोजिट कर देते थे, सेम उसी तरह से जब हम लोग इमेज के पॉइंट से ऑब्जेक्ट के पॉइंट की तरफ आएंगे तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को एक्स और वाई पॉइंट्स को जो ऑर्डिनेट है इन सब पॉइंट्स को नेगेटिव का साइन जो है वो पॉजिटिव में और जो पॉजिटिव का साइन है वो नेगेटिव का साइन में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो यहाँ पे माइनस 12 है तो ए का वैल्यू 12 हो जाएगा और यहाँ पे 5 है तो बी का वैल्यू इसका जस्ट ऑपोजिट माइनस 5 हो जाएगा।